हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवांश भसीन पे। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि जो मार्केट पे एक फॉल आई थी, क्या उस फॉल पे आप ट्रेड ले पाए हो कि नहीं ले पाए हो। गाइस, अगर आप नहीं ले पाए थे तो जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे गाइस, उस लेवल पे अगर आपने शॉर्ट करा होता तो आप अच्छा खासे प्रॉफिट पे आज निकले होते गाइस। अगर आपने मेरी कल मैंने आपको अपनी ऑर्डर बुक भी दिखाई थी कि मैं किस तरीके से कॉल ऑप्शन बाय करके निकला था उस दिन, और अगर आप मेरी ऑर्डर बुक पॉज करके देखते, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होती और पॉज करके देखते तो आपने उसमें देखा होता कि मैं पुट बाय करके निकला था क्लोजिंग बेसिस पे, और आज मैंने 125 की जो पुट बाय करी थी वो 270 रुपये में एग्जिट करी, और इंट्राडे पे भी एक पुट की पोजीशन इनिशिएट करी थी। वो कैसे करी थी गाइस, चार्ट पे चलते हैं और वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे हमने करा था। निफ्टी बैंक निफ्टी पे अगर आपने मेरी तरीके से ट्रेड लिया होता समझने पे तो आप अच्छा खासा पैसा कमा के जाते। अभी भी देरी नहीं हुई है, अभी भी अपने टारगेट्स के आसपास है तो आप अभी भी पैसा कमा सकते हैं। चार्ट्स में आपको मैं लेकर जाके दिखाऊंगा गाइज। दूसरी बात, हमने पांच स्टॉक्स आपको दिए थे जिसमें से तीन के इंट्राडे टारगेट, यानी कि इंट्राडे टारगेट का सेंस मतलब ये है कि जो पहला टारगेट जो हम आपको देते हैं वो इंट्राडे टारगेट होता है। इंट्राडे टारगेट जो हमारे थे वो तीन के हिट हो गए थे, एक का नहीं टू पाया था, और जो दूसरा था एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक पे पर्टिकुलरली हमने देखा था, एक न्यूज़ आ गई थी कि उसका एक जो फ्लोर प्राइस था क्यू आई पी का वो 630 पे यानी कि 630 पे सेट हो गया था, और पर्टिकुलर जो प्राइस था जो स्टॉक था वो 710 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो हमने उसमें एक डाउनसाइड देख ली। पर्टिकुलरली एक न्यूज़ बेसिस स्टॉक था सो हमने उस पर एक डाउनसाइड देखी, और अभी भी एक न्यूज़ आई हुई है उस पर कि एक सेल्स टेक होने वाला है सुट्टी से रिलेटेड, एक फुल फॉर्म है उसकी जो अभी मुझे नहीं पता गाइस, सो मैं उसके बारे में न्यूज़ देख रहा हूँ कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कल आपने किसी लोगों ने होल्डिंग्स ले रखी है, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स ने भी एक्सिस बैंक में होल्डिंग ले रखी है, तो उस पर क्या करना है, किस तरीके से ट्रेड करना है। अब हम बढ़ते हैं कि कल कौन से स्टॉक्स हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले आता है एक्सिस बैंक, एशियन पेंट्स, येस बैंक, HCL टेक, पिडेलाइट इंडिया और BPCL। तो इन पाँच के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम BPCL की बात करें गाइस, तो बाय करने की सलाह दी जाएगी आपको। 464 इसका क्लोजिंग प्राइस है, 459 पे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा क्लोजिंग बेसिस के अंदर। आप ये देख सकते हैं, आपको आपको जो टारगेट दिख रहा होगा वो 459 दिख रहा होगा, एक्चुअली गाइस ये 469 और 473 का टारगेट है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया होगा, तो आप नोट कर लीजिए अभी भी 469 और 473 का BPCL का टारगेट है कल। एशियन पेंट्स की बात करें तो आपको एशियन पेंट्स पे बाय करने की सलाह दी जाएगी गाइस, इसमें 1786 का आपको टारगेट मेंटेन करना है, 1773 का आपको स्टॉप लॉस इस पर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। येस बैंक की बात करें तो येस बैंक एक शॉर्ट की तरह की से मैंने ले रखा है, क्योंकि आज हमने जो गिरावट देखी है येस बैंक के अंदर, और जो हमारा जो एक सपोर्ट था, हम देखते थे कि ये सपोर्ट को बार बार तोड़ देता था, 54.5 का लेवल था, सो गाइस उसको बार बार तोड़ता तो था पर आखिरी में जब हम देखते थे कि उसके ऊपर जाके क्लोजिंग हमें देखने को मिल जाती थी, पर आज हैवी वॉल्यूम्स के साथ और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होते हुए हमने इस पर एक नीचे की तरफ उसमें क्लोजिंग होते हुए देखी है। सो गाइस यहाँ से मुझे एक डाउन साइड लगती है, तो यहाँ से मुझे लगता है कि 50 तक के लेवल या 49 तक के लेवल भी आने वाले टाइम में ये दिखा सकता है, अगर इसमें कोई न्यूज़ नहीं आती है, क्योंकि गाइस ये ज़्यादातर न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है उस पर ही चलता है। तो अगर टेक्निकल्स की बात करें तो 52.9 51.5 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, 55.3 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके गाइस रखना पड़ेगा। HCL टेक बाय करने की सलाह दी जाएगी गाइस आपको, 1056 के ऊपर निकले गाइस तो 1056 के ऊपर सस्टेन करता है तो बाय करिए, 1067 1074 का टारगेट आपको मेंटेन करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस आपको 1048 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे। पिडेलाइट इंडिया की बात करें तो गाइस आप देख रहे होगे पिडेलाइट इंडिया बहुत दो दिन से लगातार गिर रहा है, तो गिरने पे ही हमें बाय करना था, क्योंकि एक ये बहुत अच्छा काउंटर है, और जो हमने देखा था जो एक अपमूव आई थी, या पर्टिकुलर आप देख सकते हैं जो दो दिन में जो हमने देखा था पिडेलाइट के अंदर एक अपमूव आई थी, उसका 38% ये रिट्रेस कर चुका है गाइस। पिडेलाइट अराउंड 1018 के आसपास इसने जो मैंने आपको स्टॉप लॉस दे रखा है उससे 4 रुपये नीचे उसने वहाँ पर अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर दिया था, और अपने अपने क्लाइंट्स को इस पे उसी टाइम एक कॉल ऑप्शन के थ्रू स्ट्रैटेजी भी बाय करवाई दी थी, जिसका टारगेट हमने अचीव कर लिया, प्रॉफिट बुक कर लिया था आज। सो गाइस अभी भी एक बाय काउंटर बनता है, 1034 का करंट मार्केट प्राइस है। कल अगर आपको डिप थोड़ी बहुत मिल भी जाती है, मार्केट अगर थोड़ा बहुत नीचे खुलता है जिस तरीके से मुझे लग रहा है, तो गाइस वहाँ पर डिप पे आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 1022 का क्लोजिंग बेसिस पे रखिएगा, 1041
1049 के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं पिडिलाइट के अंदर। सो गाइज ये पांच काउंटर मैंने आपको बता दिया है। अब हम बढ़ते हैं चार्ट्स की तरफ और चार्ट्स में देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम होगा। सबसे पहले बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी इस टाइम पे बहुत बेस्ट ट्रेड बनते हैं और बेस्ट ट्रेड अभी बैंक निफ्टी पे ही निकल के आ रहे हैं। सो गाइज सबसे पहले हम बात करते हैं कि कल के दिन क्लोजिंग हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। इस लेवल पे हमने क्लोजिंग देखी थी। 30 मिनट्स का चार्ट आपको दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि इस पर बैंक निफ्टी पे ट्रेड करने पे एक हम देख सकते हैं कि जो लेवल्स होते हैं और जो हम देखते हैं कि जो ये शेडोज छोड़ जाती है उसकी वजह से जो ज़्यादातर लोग लॉस बुक कर लेते हैं, जिनके स्टॉप लॉसेस मीट हो जाते हैं, वो 30 मिनट्स के चार्ट में बहुत ईजिली हम पता लगा सकते हैं और वहाँ पर हम बच सकते हैं। वो कैसे वो भी मैं आपको भी बताऊँगा। गाइस देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्लोजिंग देखने को मिली थी, जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। और जब मैंने आपको कहा था गाइस, जब आपको ये कल बैंक निफ्टी 30,250 के ऊपर निकले तो ही आपको अपनी बाय पोजीशन बनानी होगी, वरना आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी होगी। जब ये अपना जो रिट्रेसमेंट है 38.2% का रिट्रेसमेंट लेवल के नीचे जाता है, यानी कि 30,100 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है कल मार्केट ओपनिंग में, शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करिए। 30,100 का अगर आप शॉर्ट करेंगे तो आपका सबसे पहला जो टारगेट होगा वो होगा 29,900 का। यानी कि अगर आपने 30,100 पे शॉर्ट करा होता तो आपका जो फर्स्ट टारगेट होता वो 200 पॉइंट्स नीचे होता, जो कि था 29,900 का। और जो सेकंड टारगेट आपका होता वो गाइज आपका होता 29,760 का लेवल। तो आपको मैंने दो लेवल बताए थे, अगर आपने नोट करा होता और आपने मेरी अगर वीडियो पे गए होते, पॉज करके ऑर्डर बुक पे चेक कर लीजिए कि मैंने 125 पे एक पुट ऑप्शन भी बाय कर रखी थी, जो मैंने 270 पे गाइज एग्जिट करी है। डबल से भी ऊपर में मैंने जाके एग्जिट करी है उस पर्टिकुलर स्टॉक को। कहाँ एग्जिट करा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एग्जैक्ट मैंने इस लेवल पे आया, सो मैंने वहाँ पर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लिया गया और वहाँ से मैंने एग्जिट कर लिया। गाइस एग्जिट करने के बाद मैंने देखा कि वो 270 की चीज 300-310 तक भी चली गई थी, क्योंकि हमने देखा था ये पर्टिकुलर जो हमने देखा था ये बैंक निफ्टी उसी टाइम पे आधे घंटे के चार्ट पे वो नीचे आ गया था, अपना 700 का लेवल ब्रेक कर गया था। सो गाइस ब्रेक करने के बाद अब मेरे ध्यान में क्या आया था, मेरे ध्यान में आया था कि मुझे ब्रेक करने के बाद अब देखना ये है कि ये जो लेवल है, जो जिस लेवल पे मैंने प्रॉफिट बुकिंग करी है, जो मैंने आपको टारगेट बताया, उस टारगेट के ऊपर क्या वो अगले आधे घंटे में वो निकलता है नहीं निकलता कैंडल बना के। सो आप गाइस देखेंगे किस तरीके से काम हुआ। हाँ गाइस आप देख सकते हैं कि ये एग्जैक्ट उस अगले कैंडल पे उसके ऊपर निकला, और मैंने आपको क्या बताया था, आधे घंटे पे आपको जब तक वो कैंडल उसके ऊपर नहीं बनती है तब तक आपको उसे शॉर्ट बाय पोजीशन इनिशिएट नहीं करनी है या शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट नहीं करनी होती है। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी एग्जैक्ट इस लेवल पे, यहाँ से वो जितना डाउनसाइड दिखा दे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो मेरे टारगेट्स थे वो मीट कर गए। दूसरी बात, अब हम मुझे वेट क्या करना था, मैं अपनी एक बाय पोजीशन के बारे में सोच रहा था, क्योंकि मुझे लगता था यहाँ से इसे रिवर्स करना ही है, क्योंकि ये जो गिरावट आ सकती है, क्योंकि अब यहाँ से एक बाय पोजीशन बन सकती है जो इसे 29,900 तक एक बार लेकर जा सकती है। गाइस दूसरी बात, अब क्या मैंने अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करी, स्ट्रैटेजी इस तरीके से हमने फॉलो करी कि मैंने आपको बता रखा है, अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब भी कोई कैंडल उसके नीचे बनती है, जो भी आपको जैसे इसके नीचे अगर कोई कैंडल बनती है और क्लोज होती है तो हमें दूसरी कैंडल देखनी पड़ती है कि वो उसी के नीचे बन रही है या नहीं बन रही है, क्लोजिंग बेसिस पे कह रहा हूँ मैं। आप देख सकते हैं जो मैंने आपको स्टॉप लॉस भी बताया वो भी क्लोजिंग बेसिस पे बताया, जो आपको मैंने पर्टिकुलर स्टॉक्स पे अभी आपको जो मैंने बताया। सो क्लोजिंग बेसिस का ये मतलब है कि ये जो कैंडल बनी है यहाँ पर ये क्लोज हुआ है, ये तो सिर्फ शैडो है। तो इसका मतलब मैंने क्या डिसीजन लिया, ये आप लाइन देख सकते हैं, अब मैंने क्या डिसीजन लिया। मेरा डिसीजन गाइज ये था कि अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक 29,800 के ऊपर जाता है और अगर उसके ऊपर क्लोज हो जाता है, सो मैं अपनी एक बाय पोजीशन दोबारा इनिशिएट कर दूंगा, जो टारगेट होगा 29,900 और उसके ऊपर के टारगेट। ठीक है गाइस, उसके ऊपर गया अगले जो कैंडल बनी जहाँ यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुकिंग करी, जब यहाँ पर ये ऊपर तो गया पर ऊपर आके दोबारा नीचे आया और हमने देखा कि इसी टारगेट के नीचे जाके क्लोजिंग करी, मतलब ये जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था वो रेजिस्टेंस बन गया। अब मेरे ध्यान में ये बात आई, मैंने इंट्राडे पे ही यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब मेरे ध्यान में ये आया, जैसे ही इस लाइन को तोड़ेगा, अगर ये पर्टिकुलरली जैसे ही इस लाइन को तोड़ेगा और उसके नीचे ये क्लोज करेगा, हाँ गाइस अगली कैंडल में इसने इसके नीचे क्लोज कर दिया, मैंने अपनी पुट की पोजीशन दोबारा इनिशिएट कर ली और मैंने गाइस 29,700 की
पुट ऑप्शन बाय करनी, कोई नहीं। अब जो मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए वो मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए ये जो मैंने बनाया था, तो जो कि था 29,900 का लेवल क्लोजिंग बेसिस के अंदर। कोई भी कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाती है मैं अपनी तुरंत पोजीशन को एग्जिट कर लूंगा, और आप गाइस देख सकते हैं। और मेरा अगला टारगेट क्या था, मतलब जो मैंने यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करी, तो मेरा जो नेक्स्ट टारगेट था गाइस, मेरा नेक्स्ट टारगेट था 29,400 का टारगेट, ये मेरा नेक्स्ट टारगेट है। और अब आप देख सकते हैं किस तरीके से इसने काम करा, ये यहाँ पर मैंने अपनी पुट को बाय करा, कोई बात नहीं गाइस, मैंने बाय करा, ये नीचे 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 जाते रहा, फिर उसने एक सडनली एक मूवमेंट दे दी। मूवमेंट देने के बाद आप देख सकते हैं वो उसके ऊपर चला गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं लॉसेस में था गाइस, मैं लॉसेस में, तो इधर साइड में भी लॉस में आ गया था जब ये अपने दोबारा लेवल पर पहुंची थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं ज़्यादातर लॉसेस पे था, वो उसने 29,900 का लेवल छोड़ के वो उससे 100 रुपये भी ऊपर भाग गया था, पर कोई नहीं, इसके नीचे आखिरी में जाके इसने इसके नीचे ही अपनी क्लोजिंग दी। अगले बार हमने मैंने देखा कि इसने रेड कैंडल बनाई, मैंने समझ गया कि यहाँ से एक डाउनसाइड आ सकती है, डाउनसाइड आई, डाउनसाइड आई, डाउनसाइड आई, और आखिरी में आप देख सकते हैं इसने क्लोजिंग लो का मारा 29,476 पे जाके अपना इसने लो मारा। मैंने यहाँ पर एग्जिट नहीं करा, क्यों एग्जिट नहीं करा, क्योंकि गाइज मैंने आपको बताऊँ तो 200 समथिंग शेयर्स ले रखे थे, लॉट की बात नहीं कर रहा, शेयर्स, तो मैंने यहाँ पर अपनी हाफ प्रॉफिट बुकिंग कर ली, क्योंकि मैं यहाँ पर ज़्यादा श्योर नहीं था कि ये डाउनसाइड मुझे देखने को इतनी मिल सकती है। सो गाइज यहाँ पर मैंने अपने प्रॉफिट बुकिंग 100 की कर ली है, और अभी भी मेरे पास कम से कम 5 लॉट बचे हुए हैं, यानी कि 10 लॉट ले रखे थे जिसमें से 5 में एग्जिट कर चुका हूँ और 5 अभी भी मेरे पास बचे हुए हैं। अब 5 मेरे पास क्यों बचे हुए हैं, क्यों मैंने अपने होल्डिंग ले रखी, क्योंकि मुझे लगता है गाइस कि जो इसने क्लोजिंग दे रखी है 29,540 की, कल मुझे लगता है एक डाउनसाइड और दिखा सकता है बैंक निफ्टी, जो कि 29,400 का लेवल टेस्ट कर सकता है। हो सकता है कि कल फर्स्ट हाफ पे, यानी कि कल 12 बजे से पहले पहले शायद ये 150 पॉइंट की एक बार बैंक निफ्टी गिरावट दिखा दे, उसके बाद से हम एक रिकवरी देखें और अच्छी खासी फिर एक रिकवरी देख सकते हैं, जो कि दोबारा उसको 29,700 तक या 29,800 तक लेवल तक लेकर जा सकती है। अब गाइस किस तरीके से हमें अपनी स्ट्रैटेजी को मेंटेन करना है, सो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कि अब जो एक क्लोजिंग हुई है अब हमें कहाँ से काम करना है। गाइस अब आपको सबसे पहले काम ये करना है कि आपको कल कोई शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट नहीं करनी है, कब, क्योंकि यहाँ से 150 पॉइंट की गिरावट है, वो शायद हो सके तो आ भी सकती है या नहीं भी आ सकती है, सो हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। अब आपको बाय पोजीशन कब इनिशिएट करनी है, बाय पोजीशन तब आपको इनिशिएट करनी है जब ये मैं ट्रेंड लाइन बना के दिखा देता हूँ आपको एक बार, बाय पोजीशन आपको तब इनिशिएट करनी है जब ये इस लेवल के ऊपर निकले। आप देख सकते हैं स्टॉक नीचे गिरा, यहाँ पर कैंडल, यहाँ सपोर्ट लिया, इधर सपोर्ट लिया, इधर सपोर्ट लिया, अब ऊपर गया, यहाँ रेजिस्टेंस, इधर रेजिस्टेंस, इधर रेजिस्टेंस, इधर रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि कल अगर आपको ये बैंक निफ्टी 29,620 के ऊपर कैंडल बनाती है, कैंडल क्लोजिंग बेसिस, बार बार आपको समझा रहा हूँ, तभी आप पैसा कमा पाओगे गाइस, वरना आप नहीं कमा पाओगे। 29,620 के ऊपर निकले, बाय पोजीशन बनाइए, पहला टारगेट जो आपका होगा वो 29,750 या 770 का होना चाहिए, हाफ प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए 29,900 का टारगेट के लिए, आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हैं। दूसरी बात, अगर वो स्टॉक पर्टिकुलर बैंक निफ्टी नीचे आता है तो कोई पोजीशन नहीं बनानी है, बैंक निफ्टी की पोजीशन तभी आपको बनानी है जब 29,400 के नीचे 2 कैंडल रेड होनी चाहिए और उसके नीचे क्लोज होनी चाहिए, यानी कि 1 घंटा। नेक्स्ट टारगेट जो आपका होगा वो 29,200 का होगा, यानी कि अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अगर ये पर्टिकुलर 620 के ऊपर निकलता है तो आपको 150 से 200 पॉइंट मिल सकते हैं, 400 के नीचे मिलता है तो 200 पॉइंट आपको नीचे की तरफ मिल सकते हैं। आप स्ट्रैटेजी समझ गए हैं, डेली बेसिस में अगर आपको 200-200 पॉइंट या 150 पॉइंट बैंक निफ्टी में कमाने का मौका मिल रहा है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, इसे फॉलो करेंगे तो आप पैसा ज़रूर कमाएंगे गाइस। समझ गए गाइस आपको किस तरीके से काम करना है। अब मैं क्यों यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, क्यों मैं इस लेवल के लिए, मैंने एक पुट ऑप्शन अपने 5 लॉट अभी भी पुट के बाय करके रखे हुए और होल्ड करके रखे हुए। आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने, अब हम बात करते हैं कि जिस दिन बहुत बड़ी रैली आई थी, ये आप देख सकते हैं जिस दिन बहुत बड़ी रैली आई थी, जब हमने फ्राइडे के सेशन में देखी थी, जो फ्राइडे के सेशन में बैंक निफ्टी ने हाई मारा था, वो बैंक निफ्टी ने हाई मारा था 29,400 का। 400 का हाई मारने के बाद हमने एक फॉल देखा था, एक घंटे तक का हमने एक फॉल देखा था जो थोड़ा बहुत डाउनसाइड उसे ले गई थी। दूसरी बात,
आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने यहाँ क्लोजिंग दी, मंडे को फ्राइडे को गैप अप ओपनिंग दी जो इसे यहाँ तक ले गई थी। सो मैं एक्सपेक्ट क्या करके चल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कोई बात नहीं, हमें जो गैप फिल करना है वो इतना गैप फिल करना होगा, पर गाइस इतना गैप फिल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक बार बैंक निफ्टी ऊपर जा चुका है, यहाँ पर यहाँ तक एक बार बैंक निफ्टी जा चुका है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 29,400 पे जाके एक बार बैंक निफ्टी सपोर्ट ले लेगी। कुछ नहीं तो कुछ नहीं, बैंक निफ्टी एक बार जाके सपोर्ट ले सकती है, तभी मैं आपको शॉर्ट की सलाह नहीं दे रहा हूँ। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट नहीं लेती और नीचे फॉल करती है तो आखिरी ना आखिरी में जाके ये 29,200 या 29,000 का लेवल भी टेस्ट कर लेगी और वहाँ से बैंक निफ्टी के अंदर एक फ्रेश रैली स्टार्ट होगी अक्टूबर सीरीज की, जो हमें हाईज लेवल तक लेकर जा सकती है। ओके गाइज, बात आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं निफ्टी पे, तो निफ्टी पे गाइज मैं कोई ट्रेड नहीं लेता क्योंकि निफ्टी हमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं दे पाती है, तो बैंक निफ्टी पे मैं ज़्यादातर ट्रेड नहीं लेता। अब निफ्टी में मैंने आपको किस तरीके से बताया था और किस तरीके से हमने इस पर पैसा कमाया होता। यहाँ बैंक निफ्टी, हमने निफ्टी की क्लोजिंग देखी, क्लोजिंग देखने के बाद मैंने आपको क्या कहा था, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, नीचे आया इधर सपोर्ट ले रहा। अब गाइज आपको ट्रेड की पोजीशन कब इनिशिएट करनी होगी, जब निफ्टी 11,620 के ऊपर निकलता है तो बाय पोजीशन बनाइएगा फॉर अ टारगेट ऑफ 11,700 and 700 and above। दूसरी शॉर्ट पोजीशन आपको कब इनिशिएट करनी होगी, जब 11,550 का लेवल को तोड़ता है तो आपको शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करनी होगी। पहला टारगेट आपको होना चाहिए 11,500 और नेक्स्ट टारगेट जो आपका होना चाहिए 11,460 का टारगेट होना चाहिए। गाइज जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है, मैंने आज नहीं बनाई है, आप मेरी पिछली वीडियो पे भी देख सकते हैं जो मैंने बना रखी है। सो गाइज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काम हुआ। ये देखिए बैंक निफ्टी ने क्या करा, अपना पहला टारगेट मीट करा, पहले टारगेट पे जैसे बैंक निफ्टी ने अपना पहला टारगेट मीट करा था, मैंने अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी थी, अपना टारगेट मीट करा, कोई नहीं, इसके नीचे क्लोजिंग दी। अगली बार मुझे वेट करना था कि इसके ऊपर क्लोजिंग देता है नहीं देता, हाँ उसके ऊपर क्लोजिंग दी, और जैसे ही उसके ऊपर क्लोजिंग दी मतलब मुझे वेट करना है ना, ये कैंडल बन गई, अगली कैंडल जैसी मैंने देखी दोबारा उसके नीचे चली गई, तो मैंने वेट करा। अब आप देख सकते हैं ये जो मैंने रेंज बनाई है कितनी प्रॉपर रेंज है गाइस, कि हमने इसके अंदर ही कितने टाइम ट्रेड करते हुए देखा, हमने कम से कम 6 कैंडल इसके अंदर ही ट्रेड करते हुए देखी और जैसे इसने रेंज को तोड़ा फिर हम रेंज के नीचे गए और दोबारा इस रेंज पे यहाँ पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर गया। सो निफ्टी पे जो ट्रेड लेना चाहते हैं गाइस उनके लिए सलाह ये है कि निफ्टी पे आपको मैं ट्रेड लेने की ज़्यादा सलाह नहीं दूंगा मेरे हिसाब से, तो डाउन साइड में तो आपके लिए कोई ट्रेड नहीं बनता मेरे हिसाब से। बाय साइड पे अगर आपको ट्रेड लेना भी हो तो गाइज आपको सलाह मैं यही दूंगा कि 11,500 के ऊपर निकले सस्टेन करे 2 कैंडल तो बाय करिए फॉर अ टारगेट ऑफ 11,550 and 11,600 का टारगेट, क्योंकि निफ्टी पे आपको मैं ज़्यादातर टारगेट्स नहीं बता रहा डाउन साइड के क्योंकि कोई मुझे लग नहीं रहा यहाँ से। हाँ 50-60 पॉइंट की गिरावट आ सकती है जो कि इसे 370 या 380 तक लेकर जा सकती है, जो मुझे लगता है कि एक बार निफ्टी को जाना चाहिए 370-380 तक जाना चाहिए कि बैंक निफ्टी भी अपने 29,400 के टारगेट तक मीट कर ले, वहाँ से एक बार मैं फ्रेश बाय पोजीशन जरूर इनिशिएट करूँगा। ये मेरे टारगेट्स थे गाइस, अच्छे से वीडियो को एक बार समझिए, मैंने आपको टारगेट स्टॉप लॉस बता दिए कैसे क्या क्या रखने हैं, ज़रूर इसी के साथ ट्रेडिंग करेंगे तो पैसा ज़रूर कमाएंगे गाइस। मैं आपको बता चुका हूँ 5 लॉट अभी भी मेरे पुट के होल्डिंग में है, कोई नहीं अगर मुझे लॉस होगा, पर मैं अपने जो अगली सी पोजीशन थी उससे मैं प्रॉफिट कमा चुका हूँ इसी। सो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में बताइए स्ट्रैटेजी मैंने आपको जो कल अपनी वीडियो में बताई थी उससे आपको प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ गाइस, क्योंकि गाइस ज़्यादातर बैंक निफ्टी और निफ्टी के मैं ट्रेड ना इसलिए नहीं दे पाता आप लोगों को और या मैं टेलीग्राम या किसी में डाल नहीं पाता क्योंकि ये बहुत सडन मूवमेंट मुझे मिलते हैं, और गाइस ये पर्टिकुलर बैंक निफ्टी और निफ्टी ही है जिस पर मैं ट्रेड लेता हूँ और मैं स्टॉक स्पेसिफिक बहुत कम ट्रेड लेता हूँ या फिर मैं स्विंग ट्रेड ही ले पाता हूँ, इंट्राडे स्टॉक स्पेसिफिक नहीं लेता हूँ। सो फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक्सिस बैंक पे अपनी पोजीशन बनाने की सोच रहा हूँ, पिडिलाइट पे अपनी पोजीशन बनाने की सोच रहा हूँ, मैं जो आपको बता देता हूँ अक्टूबर सीरीज के लिए, MGL है, पिडिलाइट है, एक्सिस बैंक है, ये जो तीन मेरी पोजीशंस है ये तीन पोजीशंस मैं अपने लिए अक्टूबर सीरीज के लिए सोच रहा हूँ, अपनी बाय पोजीशन के लिए हल्के हल्के मैं बाय पोजीशन के बारे में सोच रहा हूँ। सो गाइस इनके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं, तभी मैं आपको अपने ये बार बार अपने यूट्यूब की वीडियोस पे आपको ये बार बार मैं कॉल बता रहा हूँ कि इन पे ट्रेड करिए ये बहुत बढ़िया है, एक TCS भी है गाइस उस पे। सो गाइस ये स्ट्रैटेजीज मैंने आपको बता दी, अगर अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कैसे आपको एनालिसिस पसंद आती है या नहीं आती है। यहाँ आपको यूट्यूब का आइकन दिख रहा है गाइस, मेरे चैनल के साथ ऐसी स्ट्रैटेजीज हर दिन पाने के लिए, स्टॉक स्पेसिफिक प्रॉफिट कमाने के लिए गाइस आप मेरे इस यूट्यूब के आइकन को दबा के यहाँ पर सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा क्लिक करिए,
साइड में बेल आइकन को भी दबाएंगे तो गाइस जो भी मेरी वीडियोस आएंगी, अब हर दिन जो आएंगी मेरी वीडियोस, उसका फ़ायदा उठा सकेंगे। और गाइस अगले दिन यानी कि कल मैं आपको जो मैंने आपको स्टॉक मार्केट कोर्स के बारे में बताया था उसकी मैं और डिटेल्स आपके साथ कल शेयर कर दूंगा। तो कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ज़रूर देखिएगा। यही वीडियो अपलोड होगी, इसी के अंदर आपको मैं बताऊँगा। तो कल का वो वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, ज़रूर देखिएगा। स्टॉक मार्केट का कोर्स के बारे में आपके लिए वीडियो आएगी, फ्री में कोर्स है, ज़रूर देखिएगा। और इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ कल अगली वीडियो के साथ। मैं शिवांश बसीन, साइनिंग ऑफ।